कैलाश पर्वत एक ऐसा पर्वत जिसे भगवान शिव के निवास स्थान के रूप में भी जाना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कैलाश पर्वत भगवान शिव का घर है, जो एक चौमुखी पर्वत श्रृंखला है। दोस्तों, वैसे तो ये पर्वत अपने अंदर कई सारे रहस्यों को समाये हुए है, लेकिन इन रहस्यों में से एक चौंका देने वाला रहस्य ये भी है कि आज तक जिस किसी ने भी इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की है वो जिंदा नहीं बच सका है। दोस्तों, कई लोग इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी इस पर्वत पर चढ़ने में सफल नहीं हो पाया है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जिसे माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है, उस पर भी आज तक कई सारे पर्वतारोही चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत एक ऐसा पर्वत है जो माउंट एवरेस्ट से तो छोटा है, फिर भी आज तक कोई इसकी चोटी तक नहीं पहुंच पाया है। इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करने वाले लोग जब इस पर्वत पर चढ़ने के लिए निकलते हैं तो उन्होंने अपने साथ कई अजीब घटनाओं को होते हुए नोटिस किया है। इसी तरह एक बार रूस में रहने वाला एक पर्वतारोही जब इस पर्वत पर चढ़ने के लिए निकला, ये पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट को भी पार कर चुका था। इसे लग रहा था कि जब ये इतनी ऊंचाई वाले माउंट एवरेस्ट को पार कर सकता है, फिर कैलाश पर्वत की ऊंचाई तो सिर्फ 6638 मीटर है, इसकी चोटी तक पहुंचना तो काफी आसान बात होगी। इसके बाद जब ये पर्वतारोही इस पर्वत पर चढ़ाई शुरू करता है और आधा रास्ता भी नहीं गुजरा था कि इस पर्वतारोही की सांस फूलना शुरू हो गई, जबकि यहाँ ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी। लेकिन अभी इस पर्वतारोही ने हार नहीं मानी और ये बराबर ऊपर चढ़ रहा था। थोड़ी देर के बाद जब ये थोड़ी और ऊंचाई पर पहुंचा तो इसके दिल की धड़कन काफी ज्यादा तेज हो गई, साथ ही साथ हैरत अंगेज तरह से इसके हाथों के नाखून और बाल बहुत तेजी से बढ़ने शुरू हो गए। साथ ही साथ इसके चेहरे पर भी ऐसा महसूस होने लगा जैसे झुर्रियां पड़ने लगी हों। मानो ऐसा लग रहा था जैसे इसकी उम्र बहुत ही तेजी से बढ़ रही हो। ये पर्वतारोही जो ऑक्सीजन की कमी वाले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुका था, उसे अब कैलाश पर्वत से डर लगना शुरू हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अलौकिक शक्ति है जो इस पर्वत पर चढ़ने नहीं दे रही है, कोई ऐसी शक्ति जो नहीं चाहती कि कोई भी इंसान इस पर्वत की चोटी तक आए। जब पर्वतारोही के साथ यहाँ ये अजीब घटनाएं होने लगी तो फौरन ही इसने अपना निर्णय बदल लिया और कैलाश पर्वत से नीचे उतर आया। जैसे जैसे ये पर्वतारोही नीचे आया वैसे ही सब चीज नॉर्मल होना शुरू हो गई, उसके दिल की धड़कन भी नॉर्मल हो गई और सांस फूलना भी बंद हो गई। इसके बाद इस पर्वतारोही ने दोबारा इस पर्वत पर चढ़ने के बारे में सोचा भी नहीं। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या है इस पर्वत में जो आज तक कोई भी इंसान इसकी चोटी तक नहीं पहुंच पाया है? क्या वास्तव में यहाँ देवों के देव महादेव वास करते हैं? दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि कैलाश पर्वत भारत के पड़ोसी देश तिब्बत में मौजूद एक पर्वत श्रृंखला है जिसका कुछ भाग भारत और चीन तक भी फैला हुआ है, जहां दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है, वहीं कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6638 मीटर है, यानी कि माउंट एवरेस्ट की कैलाश पर्वत से लगभग 2000 मीटर ज्यादा। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि जहां तक पहुंचते पहुंचते ऑक्सीजन की कमी पर्वतारोहियों को महसूस होने लगती है, इसलिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर ही माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करनी पड़ती है। लेकिन कैलाश पर्वत की ऊंचाई इतनी ज्यादा नहीं है, इसलिए इस पर ऐसी कोई समस्या भी नहीं है। इतनी ऊंचाई तक लोगों को आसानी से ऑक्सीजन मिल सकता है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई इतनी ज्यादा और इतनी सारी परेशानियां होने के बाद भी उस पर अब तक 7000 से ज्यादा लोग चढ़ाई कर चुके हैं, वहीं कैलाश पर्वत जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 2000 मीटर कम है, वहां आज तक कोई भी इंसान नहीं पहुंच पाया है। और वो लोग जिन्होंने जबरदस्ती इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करी है, उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार बताया जाता है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का वास है। यहाँ भगवान शिव के होने का एहसास कई बार लोगों को हो चुका है। हिंदू धर्म की मान्यता है कि दुनिया की सभी अलौकिक शक्तियों का जन्म इसी पर्वत से हुआ है। इसके अलावा मित्रों, इस पर्वत का आकार भी काफी ज्यादा विचित्र है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको बिल्कुल एक शिवलिंग की तरह लगेगा। जब कई वैज्ञानिकों ने इस पर्वत पर रिसर्च की तो बताया गया कि असल में ये पर्वत जिस जगह मौजूद है वो जगह पृथ्वी का सेंटर है। इसे पृथ्वी की नाभि भी कहा जाता है और यही वजह है अगर कोई पर्वतारोही इस पर्वत पर कंपास वगैरह को लेकर जाता है तो उसके कंपास काम करना बंद कर देते हैं। इसके अलावा शोधकर्ताओं का कहना यह भी है कि कैलाश पर्वत ही वो जगह है जहां चारों दिशाओं का मिलन होता है।
इसके अलावा ये पर्वत वातावरण को बनाए रखने में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और शायद यही वजह है कि इसे प्राकृतिक शक्तियों का भंडार कहा जाता है। जब भी कोई इंसान इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करता है तो इसकी एक खास सीमा को पार करने के बाद उसके साथ कुछ अजीब घटनाएं होना शुरू हो जाती हैं। अब तक जितने भी लोग इस पर्वत पर चढ़ाई करने के लिए गए हैं, उन्होंने वापस आकर यही बताया है कि इस पर्वत पर कुछ तो ऐसा है जो उन्हें वहां चढ़ने से रोकता है। इस पर्वत का मौसम अचानक से बदल जाता है, लोगों के दिलों की धड़कनें इस पर चढ़कर तेज हो जाती हैं, साथ ही ऑक्सीजन होने के बाद भी यहां लोगों की सांस फूलना शुरू हो जाती है। इसके अलावा कई सारे लोगों ने तो ये भी बताया है कि जब वो इस पर्वत के करीब पहुंचे हैं तो उन्हें ऐसा लगा है जैसे उनके नाखून और बाल बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, उनके चेहरे की बनावट भी बहुत तेजी से बदलने लगती है। और जो भी इंसान इन सभी चीजों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ा है वो कभी वापस नहीं लौट पाया है। हिंदू धर्म के लोगों की मान्यता है कि भगवान शिव की आज्ञा के बिना इस पर्वत पर जाने की कोशिश जो भी करेगा उसके साथ कुछ न कुछ बुरा जरूर होगा, यानी कि इस पर्वत की चोटी तक पहुंच पाना असंभव है। इसके अलावा रशिया के एक वैज्ञानिक ने इस पर्वत के रहस्य को जानने के लिए जब अपनी एक खास टीम बनाकर इस पर्वत पर रिसर्च की तो उन्होंने बताया कि ये पर्वत एक नेचुरल पर्वत कहीं से भी नहीं मालूम पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे इसे किसी ने पिरामिड की तरह बनाया है। इन रिसर्चर्स का कहना था कि इसे किसी इंसान या फिर अन्य शक्ति ने तैयार किया है। इसके अलावा यहाँ कुछ अजीब तरह की रेडिएशन भी निकलती है जिसकी वजह से इसे अलौकिक शक्तियों का घर कहा जाता है। वहीं हिंदू धर्म के अनुसार बताया जाता है कि कैलाश पर्वत के निर्माता कोई और नहीं बल्कि महादेव ही हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत पर घटने वाली इन घटनाओं और लोगों की आस्था की वजह से अब इस पर्वत पर किसी भी इंसान का जाना मना है। और आखिरी बार स्पेन की एक टीम इस पर्वत पर चढ़ने के लिए गई थी, लेकिन उनके हाथ भी निराशा के सिवा कुछ नहीं लगा। तब से लेकर आज तक किसी को पर्वत पर चढ़ने की इजाजत नहीं दी गई है, क्योंकि तिब्बत और भारत के साथ दुनिया भर के सभी देशों का कहना है कि ये पर्वत असल में एक बहुत ही पवित्र स्थान है, इसलिए इस पर किसी इंसान को चढ़ाई करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। सनातन धर्म के अनुसार इस पर्वत का काफी ज्यादा महत्व बताया गया है। इसके अलावा लोगों का कहना यह भी है कि जब कोई भी इंसान कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाता है तो यहां से उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। ये आवाजें ऐसी लगती हैं जैसे कोई एयरप्लेन यहां आसपास उड़ रहा है, लेकिन जब आप इन आवाजों को ध्यान से सुनेंगे तो आपको बिल्कुल किसी डमरू या ओम की आवाज की तरह लगेगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह आवाज बर्फ के पिघलने की है, लेकिन असल में इस आवाज का सही कारण कोई नहीं जानता है। धीरे धीरे करके कई सारे लोग ये बात मान चुके हैं कि यह पर्वत देवों के देव महादेव का घर है, और इसलिए कोई जीवित इंसान इस पर्वत तक नहीं जा सकता, और मरने के बाद भी सिर्फ वही इंसान इस पर्वत तक पहुंचेगा जिसने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया होगा। मित्रों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख ही लिया है तो कृपया करके इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा।